अयोध्या से खबर है। विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक कल, प्राधिकरण सभागार में सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में पेश होगा राम मंदिर का नक्शा। नक्शा मिलते ही शुरू हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी नींव की खुदाई। तो विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक कल है, प्राधिकरण सभागार में सुबह 11 बजे बैठक होगी। बैठक में राम मंदिर का मानचित्र जो है वो पेश होना है और इसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य जो है बताया जा रहा है शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि एक हफ्ते में नींव की खुदाई शुरू हो जाएगी। कल की बैठक अहम बताई जा रही है, विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक होगी। प्राधिकरण सभागार में सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। बैठक में राम मंदिर का मानचित्र जो है वो पेश होगा और मंदिर का निर्माण कार्य बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में नींव की खुदाई जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, जिस प्रकार से मंदिर निर्माण को लेकर लगातार सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसको इसी बीच जो है मानचित्र को दाखिल किया गया था विकास प्राधिकरण में नक्शा पास किए जाने के लिए, जिसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सके। लेकिन जो विकास प्राधिकरण ने भी अब जो है इसका जो है पूरा व्याख्या पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। कल जो है विकास प्राधिकरण की जो समिति है उसकी बैठक है, उस बैठक में इस मानचित्र को प्रभु जो है पेश किया जाएगा, उसको पास करने की पूर्व विधि इसमें जारी होगा। उसके बाद जो है ट्रस्ट जो शुल्क होगा वो शुल्क जमा करेगा, उसके बाद मंदिर निर्माण की अनुमति विकास प्राधिकरण के द्वारा दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है ये एक नया दूसरा क्रम है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, क्रम जिससे मंदिर निर्माण की कार्य शुरू किया जा सके। ऐसे में जो है ट्रस्ट की जो के सदस्य है ये भी कल हो सकता है इस बैठक के बाद जो है प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कल की बैठक, उसके बाद ट्रस्ट के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद मंदिर निर्माण की विधि शुरू हो जाएगी। जी सत्यप्रकाश, कल मानचित्र बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान राम जन्मभूमि का मानचित्र जो है वो पेश होना है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। जी हाँ, जो विकास प्राधिकरण की बैठक है मुख्यता माना जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से विशेष जो है मानचित्र को लेकर ही चर्चा किया जाना है। इसके लिए ये ट्रस्ट की बैठक, इस विकास प्राधिकरण के जो मेंबर जो सदस्यों की बैठक बुलाई गई है, जिससे कि राम जन्मभूमि एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण कोई भी निर्णय लेने से पहले एक समिति है जो विकास प्राधिकरण को लेकर, उस पर निर्णय समिति लेगी, जो उनका एक जो ब्यौरा है जो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जो शुल्क जमा किए जाने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद विकास प्राधिकरण निर्णय लेगा और उसको ट्रस्ट को अवगत कराएगा, जिसके बाद शुल्क जमा करने के बाद मंदिर निर्माण के लिए स्वीकृति भी दे दी जाएगी। जी, नींव की खुदाई एक हफ्ते के भीतर शुरू होनी है, तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी, जाहिर सी बात है। जी हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से मानचित्र को लेकर स्वीकृति की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में है, तो इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है लगभग तैयारी पूरी की जा चुकी है, बस स्वीकृति होने के बाद ही मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट जो है खुदाई शुरू कर देगी। एलएनटी के मशीनें यहाँ पहुंच चुके हैं, एलएनटी लगभग 70-80 मजदूर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो परिसर में लगातार सफाई का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे मंदिर निर्माण के लिए जो बुनियाद बनी जानी है, जो नींव खुदाई होनी है, काम शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए।